हेलो फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमक पारे। और नमक पारे तो हम सबको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मार्केट जैसे नमक पारे आप घर पर भी इजीली उसी टेस्ट के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं घर पर नमक पारे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच नमक, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक कटोरी मैदा, पानी, चार चम्मच ऑयल डो लगाने के लिए और बाकी ऑयल इन्हें फ्राई करने के लिए। अब सबसे पहले हम डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए हम ये एक कटोरी मैदा लेंगे और इसमें डालेंगे ये अजवाइन, नमक और ये चार चम्मच ऑयल। एक बार हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल हार्ड डो लगाएंगे। हमारा ये डो लग गया है, इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हमारे डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, इसे हम एक बार और स्मूथ कर लेंगे। हमारा ये डो बिल्कुल रेडी है। अब हम ये चकला लेंगे और इसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इस डो को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, गोल करेंगे। इसे हम रोलर पिन से रोल करेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा पतला रोल नहीं करेंगे। इसे बेलने के बाद हम इसे नाइफ की हेल्प से कट करेंगे। हमें इसे इतना मोटा रखना है। फ्रेंड्स, इसी तरह हम बाकी डो की भी बना लेंगे। हमारे ये नमक पारे अब फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्हें अब हम फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के लिए हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल को हमें बिल्कुल हल्का गर्म करना है। हमारा ऑयल हल्का गर्म हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हमें इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। इसके बाद हम इन्हें एक एक करके इसमें डालेंगे। बाकी को हम बाद में फ्राई करेंगे। इन्हें हम इस तरह लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इन्हें अब हम किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी को भी बना लेंगे। हमारे ये नमक पारे अब बिल्कुल तैयार हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इन्हें बनाकर आप जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।